नमस्कार, आरपीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश दवाने और आइए नजर डालते हैं खास। आज बड़वानी में जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति बड़वानी जिला अध्यक्ष अनिल राठौड़ के नेतृत्व में कर्मचारी अधिकारी संघ पुराने कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए। वहाँ से नए कलेक्ट्रेट रवाना हुए। कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी की मुख्य मांगे निम्न अनुसार है। मध्य प्रदेश द्वितीय शासकीय कर्मचारी संघ का पंजीयन क्रमांक 1079 को श्रीमान सहायक पंजीयक फर्म संस्था नर्मदापुरम संभाग भोपाल के द्वारा दिनांक 5/2/2021 को निरस्त कर दिया गया। अतः सहायक पंजीय फर्म संस्था नर्मदापुरम संभाग भोपाल के द्वारा जारी आदेश दिनांक 5/2/2021 को निरस्त करने की कृपा करें। 1 जुलाई 2020 को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए और शेष 5% महंगाई भत्ता शीघ्र भुगतान किया जाए। शासकीय सेवकों की पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। 7वें वेतनमान की राशि अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र किया जाए। 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों को पूर्ण वेतन का लाभ दिया जाए। शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 63 वर्ष की जाए। शिक्षकों को वेतन अनुरूप बदनाम दिया जाए। प्रदेश में नगरीय निकाय विनियम कर्मियों को नियमित किया जाए। अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इसी बजट सत्र में पूर्ण करने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? अनिल। किस पद पर? किन मांगों को लेकर ज्ञापन देने जा रहे हो? क्या क्या है मुख्य मांगे? मुख्य मांगों में जो हमारा डीए के लिए इंक्रीमेंट के लिए इंक्रीमेंट 2020 से देना है। 5% डीए भी रुका हुआ वो भी देना है। भारतीय वर्तमान की जो किस्त है वो रिलीज करना है। क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी गई तो क्या करूँगा आप सर? पंक्ति आह्वान पर आगे की रणनीति दिखाई। किस बिनर तले ज्ञापन देने जा रहे हो आप? जागरूक अधिकारी। आरपीटीवी न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपीटीवी की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।